के लिए जाएं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे, कृषि कानूनों की वापसी पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगी। कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई कैबिनेट से और कैबिनेट की बैठक में बिल वापसी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। तीनों कृषि कानून सुधार वापस ले लिए गए हैं और अब औपचारिक तौर पर संसद में इसे वापस लेना है। 29 तारीख को शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और 19 नवंबर को पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था और इसके बाद कैबिनेट से भी वापसी प्रस्ताव को मंजूर किया जा चुका है। कृषि कानूनों की वापसी पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। बेहद अहम बैठक आज हुई जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। किसानों के लिए और थोड़ी राहत, क्योंकि पीएम ने ऐलान किया था लेकिन किसानों को भरोसा नहीं था कि क्या आगे भी तस्वीर वही रहेगी, लेकिन अब मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों की वापसी को मंजूर किया गया और कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। आपको बताएं कि 19 नवंबर को पीएम ने खुद इसका ऐलान किया था। गुरु पर्व के मौके पर उन्होंने किसानों से माफी भी मांगी थी, साथ ही साथ कहा था कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, लेकिन अब कृषि कानून को सरकार वापस ले रही है, ये ऐलान पीएम ने किया था। और इसके बाद आज जो प्रस्ताव था इसकी वापसी का, उस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, 26 नवंबर को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे। अयोध्या में 3000 से ज्यादा जोड़ों की शादी होगी। आसपास के कई जिले जैसे कि सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी के 3000 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा अयोध्या में। इसी कार्यक्रम में सीएम पहुंचेंगे, अयोध्या में विकास योजना की समीक्षा भी करेंगे सीएम। तो 26 तारीख का ये कार्यक्रम है, अयोध्या में 3000 से ज्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा, अयोध्या में विकास योजना की समीक्षा भी सीएम करेंगे। 26 तारीख को सीएम अयोध्या पहुंचेंगे। 26 नवंबर को अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। दरअसल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है जिसमें सीएम हिस्सा लेंगे और 3000 से ज्यादा जोड़ों की शादी कराई जाएगी, जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए सीएम पहुंचेंगे। अयोध्या में विकास योजनाओं की उसी दिन वो समीक्षा भी करेंगे। तो बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। 26 नवंबर को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। आपको बताएं कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको मिलाकर 3000 से ज्यादा जोड़े जिनकी शादी वहां पर कराई जाएगी, एक ही कार्यक्रम में सामूहिक विवाह होगा जिसमें सीएम खुद पहुंचेंगे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे और उसी दिन विकास कार्यों को लेकर भी वो अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो बेहद अहम कार्यक्रम है सीएम का 26 नवंबर को। और इसी खबर के